नेपाल में रविवार को बड़ा विमान हादसा हो गया है। नेपाल के पोखरा में एक यात्री विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया जिसमें 3 बच्चों समेत 68 यात्री सवार थे। इस विमान में 5 भारतीय नागरिकों समेत 14 विदेशी भी सवार थे। नेपाल की सेना, सशस्त्र पुलिस, नेपाल पुलिस के साथ ही स्थानीय नागरिक रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान अब तक 42 शव बरामद कर लिए गए हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। पीएम प्रचंड ने सभी सरकारी एजेंसियों को प्रभावी बचाव कार्य के निर्देश दिए हैं। उन्होंने हादसे को लेकर कैबिनेट की इमरजेंसी मीटिंग भी बुला ली है। प्रधानमंत्री प्रचंड की अध्यक्षता में हुई इमरजेंसी बैठक में सरकार के कैबिनेट मंत्री मौजूद थे। जानकारी के मुताबिक येती एयरलाइंस के ATR-72 विमान ने काठमांडू से पोखरा के लिए उड़ान भरी थी। इस 72 सीटर विमान में 68 यात्री और 4 क्रू मेंबर्स थे, यानी कुल 72 लोग सवार थे। विमान पोखरा के समीप ही पहुंचा था कि लैंडिंग से महज 10 सेकंड पहले ही क्रैश हो गया। नेपाल मीडिया के मुताबिक यह दुर्घटना पोखरा के पुराने डोमेस्टिक एयरपोर्ट और पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बीच में हुई है। काठमांडू पोस्ट के मुताबिक येती एयरलाइंस के प्रवक्ता सुदर्शन बरतौला ने कहा कि विमान में 68 यात्री और क्रू मेंबर सवार थे। एयरलाइंस के प्रवक्ता ने यह भी कहा कि अभी तक 16 शव बरामद करा लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। यह हादसा दिन में 11:10 पर हुआ। यह विमान पोखरा घाटी में सेती नदी की खाई में गिर गया। दोस्तों, इस वीडियो में केवल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए देख न्यूज़।